another direct customer car, Toyota Innova Crysta 2.8Z variant, automatic transmission ke saath mein, leather upholstery, automatic seats, touchscreen system and auto climate control, push button start and woody finish steering wheel and with the lots of buttons on the steering wheel. The best part of this car that it is Toyota Innova Crysta and it is a direct customer car. Noida sector 150 में आके सर हम ये गाड़ी का शूट कर रहे हैं and fortunately इनकी दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की इन्होंने हमसे वीडियो करवाई है. एक BMW व्हाइट कलर की है जो इन्होंने मेरे अपार्टमेंट पे सेंड कर दी थी, मैंने अपने अपार्टमेंट के पास वो वीडियो शूट करा है. सेकेंड गाड़ी की शूट करने के लिए मैं इनके रेसिडेंस पे आ गया. ATS प्रिस्टीन नोएडा सेक्टर 150 में गाड़ी अवेलेबल है. सो अगर आप नोएडा में रिसाइड करते हैं या गुरुग्राम या फरीदाबाद कहीं पे भी रिसाइड करते हैं सर, आप एक बार व्हाट्सएप करिए, अपनी गाड़ी का प्राइस डिस्कस करिए हमारे साथ में. अगर लगेगा हमें कि आपकी गाड़ी हमारे चैनल पे अच्छे प्राइस पे बिक जाएगी तो ही हम वीडियो बनाने के लिए आपको बोलेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे सर बेच दो जहां बिक रही है. सो दिस इज Toyota Innova Crysta 2.8Z वेरिएंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल इंजन, HR10 रजिस्ट्रेशन, सोनीपत की रजिस्ट्रेशन है, RC पेमेंट है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैंने उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर में जो जो नीडेड होंगे आपको वो भी मैंने बताया है उस वीडियो में. और 1 लाख किलोमीटर ड्रिवन है, सितंबर 2024 तक इंश्योरेंस वैलिड है. टायर्स जो है वो अभी ठीक कंडीशन में लग रहे हैं मुझे, और जिनके नाम पे RC है आपको उन्हीं को पेमेंट करना है सर. उनका आस्किंग प्राइस है 17 लाख रुपीज. नोएडा सेक्टर 150 ATS प्रिस्टीन में आके आप ये गाड़ी देख सकते हैं. और अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स. प्लीज आइए, आपको एक बार गाड़ी के इंटीरियर दिखा देता हूँ. सो इट्स अ शोफर ड्रिवन कार, उसके चलते थोड़ी सी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हल्का सा टॉन हुई है, दैट्स ओके. बाकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो अच्छी कंडीशन में ही. देखिए जब शोफर बैठे रहते हैं गाड़ी में तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील और वो सब हो जाता है, दैट्स ओके. मैं सब ये चीज़ें सर फुल वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, ना सेलर का टाइम वेस्ट हो, ना बायर का टाइम वेस्ट हो. जब आए आपको पता हो कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं. बाकी गाड़ी की इंस्पेक्शन स्कैनिंग करवा लें तो बहुत अच्छा है. पीछे हमें कैप्टन सीट्स मिल रही हैं एंड यहाँ पे ट्रेस मिल रहे हैं, ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है, 3 रो कनेक्टिविटी के साथ में. थर्ड रो भी देख लेते हैं किस कंडीशन में, थर्ड रो भी अच्छी कंडीशन में, सामान रखा हुआ है हमारे में. और ये रियर कर्टेन्स जो है ये अलग से लगाए हैं, आप चाहें तो इन्हें निकाल के हटा सकते हैं. सो द कार इज लुकिंग इन अ गुड कंडीशन, कस्टमर कार है सर, सिंगल ओनर गाड़ी है, HR10 रजिस्ट्रेशन है. 17 लाख रुपीस एक्सपेक्ट करते हैं, 17 लाख रुपीस. हाउएवर देखिए जो आदमी प्राइस एक्सपेक्ट करता है उस पर नेगोशिएट हर आदमी करता है, तो अगर आपकी कोई लेजिट ऑफर है तो आप डायरेक्टली उनसे बात करिए, गाड़ी देखिए ऑन टेबल, क्योंकि उन्होंने गाड़ी बेचनी है दैट्स फॉर श्योर, आपने गाड़ी खरीदनी है दैट्स फॉर श्योर, दैट इज द रीजन यू गाइज आर यू नो कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, तो आई एम श्योर डील कहीं ना कहीं बन जाएगी. लेकिन अगर आपकी लेजिट ऑफर होगी तो, अगर कोई कम ऑफर है, स्लो ऑफर है, तो आई थिंक वो फोन पे ही डिस्कस कर लो, जाने से बेटर है, क्यों टाइम वेस्ट करना किसी का भी या आपका या अपना. सो मैं तो सर यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम है. और जो आदमी गाड़ी खरीद रहा है, मतलब 17-18 लाख रुपए की ऑब्वियसली उसके टाइम की कीमत है, जो बेच रहा है उसके टाइम की भी कीमत है, सबके टाइम की कीमत है, मैं तो यही मानता हूँ. सो इसलिए मैं डिटेल्स आपको बता दी हैं सर. डिटेल्स मैं हमेशा परिवहन से खुद देखकर निकालता हूँ कि ताकि मेरे व्यूअर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए. दिस इज नवंबर 2018, ओनर सिंगल, 1 लाख किलोमीटर ड्रिवन, एज पर द स्पीडोमीटर आई हैव नॉट सीन द सर्विस हिस्ट्री येट, हाउएवर आई कैन डू दैट इफ यू रिक्वायर, इफ यू आस्क मी. प्लीज डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे. गाड़ी अगर इंडिविजुअल नेम पर है तो सर आपने ध्यान रखना है कि आपने ओरिजिनल RC लेनी है, वैलिड इंश्योरेंस लेना है, आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, बैंक HP है तो फॉर्म 35 बैंक NOC लेनी है, सेलर का आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है, मैच करना है वो रजिस्टर्ड RC से मैच कर रहा है, पेमेंट रिसीट्स लेनी है, फॉर्म 28, 29, 30 आपको चाहिए होते हैं, 28 पे चेसिस प्रिंट चाहिए अगर आप ट्रांसफर करा रहे हैं गाड़ी, और सेल एफिडेविट चाहिए होता है, फॉर्म 26 अगर ओरिजिनल RC खो गई है इन दैट केस. कंपनी का केस है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए और बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, साइनिंग पर्सन का आधार कार्ड चाहिए और डायरेक्टर्स के आधार और पैन चाहिए और बाकी वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं. फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. अगर आप चाहते हैं मैं आके डील क्लोज करूँ, पेपर वर्क देखूँ आपका, तो मैं भी आके वो कर सकता हूँ सर. और कोई भी आपके फ्रेंड गाड़ी बेच रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल उनको रिकमेंड करिए. अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सर फॉलो करके चाहिए, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. वीडियो को लाइक और शेयर करें. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम हैं, फेसबुक पे मोटरफाइंडर के नाम से, इंस्टाग्राम पे वसीम खान ऑफिशियल है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.